क्या मानते हैं आप रफाल की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए? अब इसमें ऐसा है कि ये निर्णय करना है प्रधानमंत्री, अगर मैं होता पहले दिन मैं तैयार होता और जांच के लिए नहीं कहता, मैं कहता 8 दिन में जांच करके फैसला, अगर आपको लगता है कि देश हित में नहीं तो हम रद्द कर देंगे इसको, हमको क्या करना है, अरे अपने देश के फायदे के लिए तो कर रहे हैं, तो आप हम पे आरोप लगा रहे कैसे खाएं या और कोई रिश्वत देने, आप जांच करो और 8 दिन के अंदर करके पता, हमको नींद नहीं है, अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, रवैया ये होना चाहिए सरकार कि तुम किस जांच की बात कर रहे हो, और देखिए पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी की जांच क्यों मांगी जाती है कि उसमें दाव पेश कर, विरोधी दलों को भी शर्म आनी चाहिए कि देश की रक्षा का मामला है, इतना नाजुक मामला है और हम उसमें राजनीति घुस रहे हैं, राजनीति क्यों घुस रहे हैं, पार्लियामेंट जांच करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी, हम लोग भाजपा के पक्ष में जांच करेंगे न विपक्ष, हम लोग कांग्रेस के पक्ष में करेंगे न विपक्ष, हम देश के पक्ष में पहुंचे एक ही मुद्दा बस, लेकिन ये होता है नेता लोग अपनी नेतागिरी छाटने से बाल, इसलिए सख्त तकलीफ है पत्रकारों को, इसलिए उनकी उनका रोल इसलिए बड़ा हो जाता है कि पत्रकार का कोई गेंद स्वार्थ नहीं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, उसका ना कुछ मिलना है ना कुछ जाना है ना खोना है ना कुछ जाना है, उसे ईमान की बात कहना है, इसलिए कई बार पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच ज्यादा पत्रकार की जांच पे लोग भरोसा करते हैं कि भाई ये काम को क्या लेना देना है, या वो जो लड़की थी जिसने बहुत का मामला खोला था चित्रा चौधरी, उसको क्या लेना देना है, उसको मंत्री थोड़ी है, उसको सरकार थोड़ी, या उसकी कोई सत्ता थोड़ी जा रही है, तो अपनी बात कहें, देश के हित की बात कहें,